हेलो नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैम ब्लॉगर बीना शर्मा। और आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से केक बनाऊंगी आज मैं। मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है एक कटोरी, और चीनी ले ली है एक कटोरी, चॉकलेट सिरप लिया है, वेनिला एसेंस लिया है, और इसके साथ 4 अंडे लिए हैं मैंने। मैंने 2 पैकेट बिस्किट के लिए हैं। अब मैं बिस्किट को अच्छे से पीस लूँगी, एकदम बारीक करके पीसना है बिस्किट को, मोटा नहीं रहना चाहिए। मैंने बेकिंग पाउडर और दूध ले लिया है 1 गिलास। अब हम एक बाउल में पहले मैदा डालेंगे, अब हम उसमें बिस्किट का पाउडर डाल देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए ये दोनों चीज़ें। उसके बाद हम चीनी डाल देंगे। आप अपने मीठे के हिसाब से डाल सकते हैं, कितना मीठा आपको केक खाना है उसके हिसाब से आप चीनी एडजस्ट कर सकते हो। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर हम इसको। अब ये हो चुका है, हम इसमें अंडे डाल देंगे। 4 अंडे लिए थे मैंने, एक साथ नहीं डालेंगे और उनको मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और उसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें गांठें ना बने। अब अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे, 2 बड़े चम्मच डालेंगे और इसे भी हल्के हाथ से मिला देंगे। ध्यान रहे कि गांठें ना पड़े। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और उसको मिलाते रहेंगे साथ में। अब हम इसमें वेनिला एसेंस मिलाएंगे और उसे भी हल्के हाथ से मिला देंगे। चॉकलेट सिरप डालेंगे। अब मैंने एक बॉल ले लिया है, उसको तेल से ग्रीस कर दिया है अच्छे से। हमारा बैटर इससे आसानी से निकल जाएगा ग्रीस करने से, और इसमें बैटर को डाल देंगे हम और उसको हल्के हाथ से टैप करेंगे ताकि उसमें कोई बबल ना रह जाए। मैंने माइक्रोवेव को पहले से ही प्रीहीट कर रखा है। मैं केक को इसके अंदर रख दूंगी। अब हम केक को 180 डिग्री पे 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे और बीच में एक बार हम चेक कर लेंगे। देखिए, मैंने एक बार केक को निकाल के देख लिया है, अभी हल्का सा वो बीच में से कच्चा है, उसको मैं फिर से रख दूंगी। अब हमारे 45 मिनट हो चुके हैं, मैं केक को फिर से चेक कर लूंगी। देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है हमारा केक। अब फिर एक बार चेक कर लेंगे हम इसे। देखिए कितने अच्छे से साफ हमारा चाकू निकला है, इसका मतलब ये बन चुका है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक और अच्छी वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए